वेलकम टू टेम्पटिंग ट्रेड्स। आज हमने बनाया है बरूले, तो चलिए देखिए हम कैसे बनाए हैं। इसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है। ये छोटे साइज का आलू है, इसको हमने धोकर अच्छी तरह से उबाल लिया है और इसके छिलके नहीं उतारना है। और ये एक कटोरी बेसन है और ये चावल का आटा है और ये कॉर्न फ्लेक्स एक बर्तन, इसमें डाल देंगे हम ये बेसन, साथ में ये कॉर्न फ्लेक्स, चावल का आटा, और सबको हम कर लेते हैं पहले मिक्स। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। एक छोटा चम्मच ये लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक, और इसमें पानी डालकर हम अच्छा सा ये घोल तैयार कर लेंगे स्मूथ से। कि मेरा ये बैटर तैयार हो गया है और इस स्टेप से हमें तैयार कर लेना है, न पतला न गाढ़ा। इसके अंदर हम जो ये आलू उबाल कर रखे हैं इसको डालकर हम मिक्स कर लेते हैं और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए। 10 मिनट हो गया है और ये आलू अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब इसे हम करते हैं फ्राई। देखिए आलू को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस एक सीटी लगाना है और जैसे दबाने पर ये इस टाइप से दब जाए, इस टाइप से। ज़्यादा उबाल देंगे तो ये गल जाएगा तो फिर अच्छी तरह से बनेगा नहीं। देखिए हमने तेल गरम कर लिया है और ये सरसों का तेल है, इस हम रिफाइंड में नहीं बनाते हैं, सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे हम करते हैं फ्राई। गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। इसे हम दूसरी साइड से पलट लेते हैं और इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं इसको, करके हम बाकी के फ्राई कर लेंगे सारे चाट को। अलीगढ़ की मशहूर बड़ूला चाट है ये, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। हम एक बार और इसे फ्राई करना है तो पहले इसको हम लेंगे और इसे ग्लास से ऐसे दबा कर या कोई कटोरी से इसे कर देंगे इस टाइप से, वैसे एक बार और फ्राई करेंगे सारे इसी तरह करके। हम दबा कर पहले तैयार कर लेते हैं। जैसे आपके घर कोई मेहमान आ गया है और आपको जल्दी है तो आप इस टाइप से जैसे 5-6 रख करके और इस टाइप से प्लेट लेकर और इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों से दबा दें। एक बार में ये तैयार हो जाएगा और इसको थोड़ा हाथ से फटाफट दबा कर रेडी कर ले। देखिए ये तो तैयार हो गया है, जो ये दबा कर रख के रखा है उसे फिर से एक बार फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। अब करेंगे इसकी हम प्लेटिंग। ये बरूला बन के रेडी हो गया है। सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे चाट मसाला, इसके बाद लगाएंगे ये टमाटो सॉस, फिर लगाएंगे हम ये हरी चटनी, सारे हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।